नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनी IMC ब्रांच का उद्घाटन गुरुवार को स्थानीय रामलीला मैदान के बगल में किया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान के हाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IMC कंपनी के प्रवीण राय अम्बेडकर स्टार, अशोक मणि पांडे चेयरमैन स्टार, वाजिद अली चेयरमैन स्टाफ, संदीप पांडे चेयरमैन स्टार, जगदीश सिंह विश्वकर्मा चेयरमैन स्टार ने IMC के उत्पादों का परिचय देते हुए कहा कि IMC एक अंतर्राष्ट्रीय है कंपनी है, जिसकी आयुर्वेदिक दवाएं देश विदेश में सभी मुख्य स्थानों पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यदि लोगों को ज्यादा समय तक स्वस्थ रहना है तो उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं का ही उपयोग करना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम IMC की दवाएं हैं जो मानक के अनुरूप ही तैयार की जाती हैं और इसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। इस कंपनी में काम करने वाले और प्रचार प्रसार में रहने वाले लोग मजदूर नहीं है, बल्कि उन्हें एक भागीदार और पदाधिकारी दर्जा प्राप्त है। कोई ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, बल्कि काम के आधार पर उन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरफुद्दीन आजमी। सर, आज आप मुबारकपुर में IMC की टीम की तरफ से आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, और लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश, मैं प्रवीण राय मुंबई से हूँ और भदोही से हूँ, और हमारे जगदीश कुमार जी ने मुझे आज आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए बुलाया, जो कि हमारी कंपनी आयुर्वेद के सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है और लोगों को स्वस्थ रहने का जीवन जीने का सिखाती है शैली। और इसी कड़ी में इन्होंने दुकान का आज ओपनिंग रखा था, हमने आज IMC का यहाँ पे एक दुकान का स्टोर का ओपनिंग किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, IMC का मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। अगर IMC के प्रोडक्ट को वो लोगों तक पहुँचाएँगे तो उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और अगर लोगों के पास इस प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे तो उनके यहाँ पैसा भी आएगा। IMC एक मिशन है और आयुर्वेदिक कंपनी ये इंटरनेशनल मार्केटिंग है, क्योंकि ये इंडिया के अलावा बाहर भी इनका प्रोडक्ट जाता है और सारे प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड हैं, सारे प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत के हैं। सुबह मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक सारी कंपनी प्रोडक्ट जो बनाती है। मैं ऐसे शख्स जो हमारे इस कंपनी के CMD हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनकी यही सोच है कि हर घर आयुर्वेद पहुँचे, हर घर आयुर्वेद से स्वस्थ हो, हर घर आयुर्वेद से लोगों तक पहुँचे, हमारा देश स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करे, स्वदेशी अपनाए, देश बचाएं, क्योंकि इसमें भारत का सम्मान बढ़ रहा है। और भारत में अगर हम भारत की बनी हुई सारे प्रोडक्ट को जब हम यूज करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा भारत नंबर 1 बनेगा और समृद्धि भारत होगा, क्योंकि हमारे साथ में घर गृहस्थी के लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे पास सारे खेती के प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक के होम केयर प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हैं, सारे हेल्थ रिलेटेड, बीमारी के बाद भी और बीमारी न हो उसके लिए भी सारे प्रोडक्ट हैं। तो इस प्रोडक्ट को जब से मैंने देखा है, इस प्रोडक्ट की कुछ खासियत है कि जो एक बार प्रोडक्ट यूज कर लेता है दोबारा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही इस प्रोडक्ट के विषय में बोलना शुरू कर देता है। इस प्रोडक्ट की खासियत ही हमें आज लाखों लोगों तक पहुँचा दिया और हम इस टीम में, इस कंपनी के सिस्टम में एक पार्टनर के रूप में हैं, क्योंकि कंपनी हमें मालिक बनाती है, कंपनी हमें नौकर नहीं बनाती। और हम चाहते हैं कि हर आदमी की सोच बदले, IMC के मिशन को घर घर पहुंचाए और अपने को अमीर बनाए और अपने को इस सिस्टम से मालिक बनने का मौका प्राप्त करे, और इसी में हमें सफलता है। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने पूरे टीम को, क्योंकि हर जगह मैं जा रहा हूँ आयुर्वेद का प्रचार। आज हमारे साथ में डॉक्टर अशोक मणि पांडे जी आए हैं, मैं चाहूँगा कि इस सिस्टम को वो कैसे आगे तक पहुँचा रहे हैं। अब मैं जो भी मुझे हो सका आज इस दौर पे मैंने सभी को बताने की कोशिश किया, इसीलिए हर जगह मैं पहुंच पा रहा हूं इस IMC के माध्यम से। थैंक यू। मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं और IMC कंपनी में चेयरमैन लेवल पे हूं। सर, हमारी कंपनी जो है स्वदेशी प्लस आयुर्वेदिक, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वदेशी लाओ देश बचाओ का जो नारा उन्होंने दिया है, हम लोग स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं और जैविक का प्रचार कर रहे हैं। यह चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा मुबारकपुर और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कि सभी लोग स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें, जैविक प्रोडक्ट यूज करें और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करें, जिससे वह खुद न बीमार हों और लोगों को बीमारियों से बचाएँ। जी, मुबारकपुर की जनता के सामने आप जो है जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, क्या लग रहा है मुबारकपुर?
सर देखिए, जब हम लोग शुरुआत किए थे, हमने जब शुरुआत किया था जौनपुर से, तब वहाँ भी यही कंडीशन था कि शुरुआती दौर पे हमारे साथ एक भी लोग नहीं थे। आज हमारे साथ 700 से 800 लोग हैं। तो मुबारकपुर में हम लोग जो आए हैं इस उम्मीद के साथ आए हैं, और यह उम्मीद हमारा कायम रहेगा, खरा उतरेगा, क्योंकि आज अगर यहाँ 25 से 30 लोग थे तो कल आगे चल के यहाँ पे 2500 से 3000 की लोगों के भीड़ के साथ हम लोग बैठने वाले हैं। और लोग विश्वास कर, स्वदेशी का जिस तरीके से लोग विश्वास कर रहे हैं, आयुर्वेदिक का जो आयुर्वेद का जो विश्वास कर रहे हैं, या भारत ही नहीं, भारत के बाहर के देशों में जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम सभी लोगों को बीमारी से बचा सकता है। बीमार न हो इसके लिए आयुर्वेद यूज करना चाहिए। बीमार होने के बाद तो एलोपैथ, होम्योपैथ, बाकी पैथ। सेल्फ डॉक्टर AM पांडे फ्रॉम मुंबई। बेसिकली मैं बलिया UP से बिलोंग करता हूँ, और लगभग 3.5 साल से इस मिशन के साथ, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह लगी मुझे कि जो कंपनी का मिशन और विजन है, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ उसमें यह अच्छा लगा मुझे कि स्वदेशी अपनाए देश बचाए, जो बहुत ही बड़ा मिशन विजन है कंपनी का, और इसके लिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि आज इंडिया के अंदर लगभग इस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस मिशन को कामयाब करने में लगे हुए हैं, और उसी मिशन में मैं भी लगा हूँ उनके साथ साथ। लगभग 7 से 8 स्टेट में मेरा आना जाना है, और लगभग 16 से 17 हज़ार की टीम है जिसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा, और ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट का अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे भारत की इकोनॉमी पावर ऊपर की तरफ उठेगी और हमारा देश एक समृद्ध देश बनेगा। और इसके प्रोडक्ट्स को अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 100% आयुर्वेद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो हमारे देश का जनक बोला जाता आयुर्वेद, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया, अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी दुनिया अच्छे निगाहों से किसी को देखती है तो भारत को ही देखती है। और भारत में ये बिल्कुल शून्य होता जा रहा था, और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी कंपनी के CMD, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ जा चुकी थी उसको फिर पुनः वापस लाने का उन्होंने काम किया, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है आयुर्वेद, और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, स्टेप टू स्टेप हम कदम से कदम मिला के उनके साथ चल रहे हैं। चालू भाई सर, आपका सर मेरा नाम वाजिद अली है, और चेयरमैन स्टार सिकरारा जौनपुर से हूँ। और IMC के बारे में अगर मैं बताऊँ, IMC एक मिशन है जो पूरे हिंदुस्तान में घर घर पहुँच रहा है पिछले 13 सालों से। 2007 से यह कंपनी, यह संस्था पूरे भारत में सभी लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रही है, लोगों को बीमारी से बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने के काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत में जो बढ़ रही है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट में बदली जा रही है, तमाम बिजनेस जहां डाउन पे डाउन जा रहे हैं, उस जगह हमारी IMC संस्था लोगों को घर घर जाकर रोज़गार देने का काम कर रही है। पढ़ा लिखा आप हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे के साथ आप कितना कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उस जगह IMC एक लौती एक ऐसी कंपनी है जो पढ़ा लिखा, जात पात, कास्ट, ये सारी चीज़ों से उठ करके हर सभी को समान एक अवसर दे रही है कि आप IMC संस्था में जुड़ करके भारत की दो बहुत बड़ी समस्याएँ, बीमारी, लोगों को उम्र कम होना, उससे बच सकें, बीमारी को दूर कर सकें, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान से जो बेरोजगारी, जो हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा, विकासशील देशों में अटका हुआ है, बेरोजगारी इतनी तरह बैली हुई है जिसकी वजह से आज तमाम अहिंसक कार्य हो रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग जो है तमाम ऐसे अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह कंपनी ने लोगों का ऐसा रोज़गार का माध्यम बनी हुई है और लोगों को स्वास्थ्य दे रही है। और उसी उम्मीद के साथ हम मुबारकपुर में आए हुए हैं कि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार के बारे में बताया जाए, जो पढ़े लिख के बेरोजगार घर पे बैठे हुए, तथा उनको स्वास्थ्य के बारे में आयुर्वेद के माध्यम से बताया जाए, ताकि वो अच्छा चीज़ इस्तेमाल करके, खा करके अपने शरीर को, अपने घर से बीमारियों को ख़त्म कर सकें।